हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्प के एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में होने वाली फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2019 के बारे में। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में आपको जानकारी दे चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड के 113 पद भरे जाएंगे। और देखिए, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से इन 113 पदों को भरने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है। और देखिए, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इन वैकेंसी पर किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हो, आप इन वैकेंसी पर कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, इन वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है और इन वैकेंसी पर आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है। देखिए, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जान लेते हैं कि किस सर्कल में फॉरेस्ट गार्ड के और वाइल्ड लाइफ यानी वन्य प्राणी के कितने पद भरे जाएंगे। तो देखिए, धर्मशाला सर्कल में सबसे अधिक 18 पद फॉरेस्ट गार्ड के भरे जाएंगे। इसके अलावा हमीरपुर सर्कल में 13 पद, कुल्लू सर्कल में 13, नाहन सर्कल में 6, रामपुर सर्कल में 9, सोलन सर्कल में 6, बिलासपुर सर्कल में 11, मंडी सर्कल में 4, चंबा सर्कल में 13, शिमला सर्कल में 16। इसके अलावा धर्मशाला और शिमला में वाइल्ड लाइफ यानी वन्य प्राणी के 1 और 3 पद भरे जाएंगे। नेक्स्ट है कि इन वैकेंसी पर अप्लाई करने के लिए क्या पात्रता यानी क्राइटेरिया रखा गया है। देखिए, यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, आपने 10+2 की है, इसके अलावा 1 जनवरी 2019 तक आपकी आयु 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं है, तो आप इन वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है कि इन वैकेंसी पर आपकी सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपका परीक्षण होगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद रिटन एग्जाम और लास्ट में पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा। देखिए, परीक्षण में कैंडिडेट की लंबाई और चेस्ट की मेजरमेंट ली जाएगी। और देखिए, पुरुष वर्ग में मिनिमम लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिला वर्ग में मिनिमम लंबाई 150 सेंटीमीटर रखी गई है। और देखिए, यदि हम छाती की मेजरमेंट की बात करें तो पुरुष वर्ग में बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और महिला वर्ग में बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर रखी गई है। और देखिए, पुरुष वर्ग में फुलाकर 84 सेंटीमीटर और महिला वर्ग में फुलाकर 79 सेंटीमीटर रखी गई है। जितने भी कैंडिडेट परीक्षण में पास होंगे, उन सभी कैंडिडेट का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में सबसे पहले 100 मीटर की दौड़ होगी। इसमें पुरुष वर्ग के लिए समय 14 सेकंड रखा गया है, जबकि महिला वर्ग के लिए समय 17 सेंटीमीटर रखा गया है। देखिए, उसके बाद 800 मीटर की दौड़ होगी और इसमें पुरुष वर्ग के लिए 2 मिनट 45 सेकंड का समय रखा गया है, जबकि महिला वर्ग के लिए 4 मिनट 15 सेकंड का समय रखा गया है। तो देखिए, उसके बाद ऊंची कूद यानी आपका हाई जंप होगा और पुरुष वर्ग के लिए 1.25 मीटर हाई जंप रखा गया है, जबकि महिला वर्ग के लिए 1 मीटर हाई जंप रखा गया है। और देखिए, हाई जंप को उत्तीर्ण करने के लिए कैंडिडेट को 3 अवसर दिए जाएंगे। और देखिए, लास्ट में आपकी लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप होगा और पुरुष वर्ग के लिए 4 मीटर का लॉन्ग जंप रखा गया है, जबकि महिला वर्ग के लिए 3 मीटर का लॉन्ग जंप रखा गया है। देखिए, जितने भी कैंडिडेट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास होंगे, उन सभी कैंडिडेट को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए, रिटन एग्जाम 85 मार्क्स का होने वाला है और इसकी समय अवधि है 75 मिनट। तो देखिए, इसमें सिलेबस की बात करें तो इसमें 10वीं स्तर की हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, वनों के बारे में सामान्य जानकारी, हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण और वन्य जीव सामान्य ज्ञान, रीजनिंग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो देखिए, इसी रिटन एग्जाम के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। रिटन एग्जाम से पहले जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसका आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, बल्कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपके लिए उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। देखिए, इन वैकेंसी पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और आप इन वैकेंसी पर या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए, इन वैकेंसी पर अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है 24 अक्टूबर 2019, और यदि आप ऑफलाइन अप्लाई करने वाले हो तो इसके लिए लास्ट डेट दी गई है 8 नवंबर 2019, और यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हो तो इसके लिए लास्ट डेट दी गई है 11 नवंबर 2019। देखिए, यदि आप ऑफलाइन अप्लाई करने वाले हो, इसके लिए एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी की गई है। तो देखिए, आपको एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके जिस सर्कल में आप अप्लाई करने वाले हो उस सर्कल की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी है। और देखिए, इस नोटिफिकेशन के अंत में एक फॉर्म दिया गया है और आपको ये फॉर्म फिलअप करना है
और जिस सर्कल से आप अप्लाई करने वाले हो उस सर्कल के एड्रेस पर आपको ये फॉर्म सेंड करना है यदि आप ऑफलाइन अप्लाई करने वाले हो। यदि आप किसी सर्कल से अप्लाई करने वाले हो तो उस सर्कल के नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए या फिर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए सबसे पहले आपको टाइप करना है HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और देखिए इसको टाइप करने के बाद आपको क्लिक करना है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होम पर, और देखिए इस पर क्लिक करने के बाद हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको क्लिक करना है रिक्रूटमेंट पर। तो देखिए रिक्रूटमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सर्कल वाइज ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो, और देखिए आप यहीं से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। और देखिए ऑनलाइन लिंक 24 अक्टूबर 2019 से एक्टिवेट होगा, और देखिए यदि आप ऑफलाइन अप्लाई करने वाले हो तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद इस नोटिफिकेशन के लास्ट में जो फॉर्म दिया गया है उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हो। देखिए इन सर्कल वाइज नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है, यदि आप ऑफलाइन किसी सर्कल से अप्लाई करने वाले हो तो आपको ऑफलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस एड्रेस पर सेंड करना होगा, और आपके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। इसके अलावा इन सर्कल वाइज नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी दी गई है कि किस सर्कल में कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसियां भरी जाएंगी। तो देखिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और देखिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।